सो हेलो वैसे भी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। सो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। हम लोग जा रहे हैं मतलब मेडिकल कॉलेज, हमारे पास में मेडिकल कॉलेज बना है तो वहीं जा रहे हैं। सो आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है मतलब। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मैं वहीं पढ़ता था मतलब, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वहाँ के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है। सो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। सो चलते हैं और दिखाते हैं, बाकी बाद में बोल बताता हूँ, फिर चलते हैं। सो देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज, बाकी यहाँ पर आ चुके हैं और फाइनली अंदर यहाँ से हो रहे हैं, इंटर हो गए हैं। बाकी ये ऐसा कुछ नज़ारा है इसका, बाकी धूप के कारण ऐसी मतलब वो हुआ है, और आगे चलते हैं। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, बाकी गेट आपको दिखाया होगा। तो वहाँ पर हम लोग रुके नहीं, बाकी अब बाद में लेंगे थम्बनेल उम्बिल वहीं से लेंगे। मतलब ये राजकीय मेडिकल कॉलेज है और इसका नाम चेंज करके रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रख दिया गया है। अभी चलते हैं आपको अंदर और एक एक चीज़ बताते हैं कि क्या क्या है। चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं, ये बाह रोगी विभाग है, बाकी यहाँ पर 2 बजे तक ओपन रहता है, अभी बंद है सब कुछ। तो आप चलते हैं दिखाते हैं, और चलते इसके अंदर चलेंगे और दिखाते हैं, और चले। अच्छा, कोई गेट है और यहाँ पर बाकी खाली खाली है, बाकी 2 बजे तक ओपन रहता है, अभी तो बंद हो गया फिलहाल। सो आप लोगों को यहाँ के बारे में बताते हैं, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो काउंटर देख रहे हैं, पंजीकरण बाहर होगी विभाग, यहाँ पर पर्चे करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लाए हैं, 1 रुपये के पर्चे। तो यहाँ पर पर्चे करते हैं 1 रुपये, मतलब अभी कुछ प्रोसेस अलग हो गया है, बाकी पर्चे वर्चे छोटे से पर्चे से दिए जाते हैं। बाकी सामने इसी के सामने जन औषधि केंद्र है, जो आप लोगों को मैं दिखा दूँगा, वहाँ पर लेके जाना पड़ता है पर्ची, ऐसा कुछ नियम है। बाकी अभी और ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और बताते हैं। और ये बाल विभाग है, मेडिसिन विभाग, यहाँ पर सारे डॉक्टर बैठते हैं, वैसे मतलब जो चेकअप वो करते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, बाकी सारे डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर करण राजपूत सर और हमारे एसके सर यहीं पर बैठते हैं। और ले चलते हैं आपको दिखाते हैं, बाकी इससे ऊपर भी ले चलते हैं, आपको बताएँगे ऊपर भी कि कैसा क्या है। चलते हैं बाकी यहाँ पर। फाइनली ये देख सकते हैं यहाँ पर मतलब पेमेंट वेमेंट हुआ करती है, बाकी पेमेंट जो इस वार्ड की पेमेंट लगती है तो जो यहाँ पर होती है। यहाँ पर औषधि वितरण कक्ष है, यहाँ पर मतलब जितने भी पर्चे में डॉक्टर लोग लिखते हैं मेडिसिन वेडिसिन वगैरह, तो यहीं पर सुन मिलते हैं। थर्ड फ्लोर में इस साइड से जाइए। यहाँ पर आया सब कुछ, बाकी यहाँ पर मेडिसिन मिलती हैं, और मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर के बारे में कुछ बताता हूँ। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको उस साइड कोने में इस साइड क्योंकि लाइट नहीं है, इसलिए साफ सामने दिख रहा होगा। बाकी वहाँ पर आइसोलेशन है, वहाँ पर आईसीयू है शायद से, बाकी आईसीयू में मैं कभी गया नहीं, बाकी पढ़ता ही नहीं था, बाकी ज़्यादा घूमता घूमता नहीं था, बाकी जितना पता है सब कुछ बताऊँगा। बाकी यहाँ के बारे में लगभग लगभग बहुत कुछ मालूम है, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी मतलब 1 ईयर तक स्टडी की है यहाँ पर, 5 मिनट जहाँ पर स्टडी करता था वहाँ भी दिखाऊँगा आप लोगों को। और चलते हैं ऊपर की ओर, चलते हैं ऊपर भी आप लोगों को बताते हैं कि कैसा क्या है। चलते हैं। मानसिक रोग ना ऊपर को जाएंगे, बाकी ऊपर दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं क्या क्या है। चलते हैं अब। हाँ, ये पीछे देख सकते हैं हड्डी रोग विभाग है, और इसके पीछे जो आगे चलते हैं वहाँ पर नाक कान रोग है रूम, जो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं। बाकी फर्स्ट फ्लोर में यही है साइड नाक कान रोग है, और उससे मतलब इस साइड को आप जाएंगे बाई तरफ, तो इस साइड सीधों से दाहिनी तरफ को जाएंगे तो दंत रोग उस कोने में है, बाकी इस तरफ मानसिक रोग विभाग है और उस कोने में जाएंगे तो दंत रोग विभाग, और इसके ऊपर सेकंड फ्लोर में ब्लड कलेक्शन है, बाकी उसके सामने जस्ट सामने उसके पैथोलॉजी है, और उसके उस साइड मतलब बाएँ साइड क्या है कि कुछ पता नहीं है, बाकी बाएँ साइड भी कुछ है, और उसके दाएँ साइड वो है क्या कहते हैं टीवी चेस्ट टीवी वाला, बाकी खांसी वांसी वाला। इस फ्लोर में बस यही सब है, बाकी और नीचे चलते हैं और दिखाते हैं।
और इमरजेंसी भी आपको ले चलते हैं। चलो सो अभी यहाँ से अंदर होते हैं, बाकी यहाँ पर वार्ड ब्लॉक सारी चिकित्सा इमरजेंसी वगैरह भी था। सो अंदर जाएंगे और अंदर चलते हैं, तो आप लोगों को दिखाते चलते हैं कि कैसा क्या है। जनवर देख सकते हैं ऐसा कुछ है, बाकी अभी तो साफ सफाई बहुत बढ़िया है। अभी जब हम लोग पढ़ते थे तो साफ सफाई भी गड़बड़ थी, बाकी अभी सब बढ़िया है तो अच्छा है। सो इस साइड को जाएंगे तो इमरजेंसी पड़ेगी, मतलब बाएँ साइड जाएंगे इस तरफ से ओपीडी से एंटर होकर बाएँ साइड जाएंगे तो इमरजेंसी पड़ेगी, और बाहर साइड जाएंगे मतलब शल्य चिकित्सा भवन पड़ेगा जो कि बच्चों का हॉस्पिटल है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ बना है तो भूल भुलैया जैसा, सो आप लोग भूले नहीं, बाकी ध्यान करके ये सब चीट लगे हुए हैं जो चीट लगे हैं, सो ये सब देख के चले और आपको हम इमरजेंसी ले चलते हैं। चलो इमरजेंसी आने के लिए बाहर कहीं होना होगा, मतलब बाहर तरफ जाना है, बाकी बाहर तरफ के लिए इमरजेंसी, बाकी ये चिट बहुत ज़रूरी है देख देख के जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्शन बताते हैं सभी जगह की। बाकी ये काफ़ी लोग होंगे ये डायरेक्शन नहीं पढ़ पाते, मतलब छोटे मोटे से गाँव के लोग भी आ जाते हैं तो नहीं बता पाते, देख पाते मतलब पढ़ पाते, सुन पढ़ पाते हैं। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी तरह का बना है, इसलिए भूल भुलैया जैसा है कुछ। सो यहाँ से इमरजेंसी दिखती है, मतलब इमरजेंसी वहाँ जाने के लिए अलाउ है नहीं है हम लोगों के लिए, सुबह का इमरजेंसी है। सो आप लोगों को यहाँ से इमरजेंसी बाकी और आगे ले चलते हैं कि कैसे करें। सो चलते हैं वार्ड ब्लॉक की तरफ, और सो देख सकते हैं शल्य चिकित्सा, मतलब भूतल चल शल्य चिकित्सा विभाग, मतलब बच्चे बच्चे आते हैं, ICU है करते हैं। बाकी यहाँ से बाहर भी निकलने की जगह है, बाकी आप रोड रोड भी आ सकते हैं, बाकी हम अंदर ही अंदर घूम रहे हैं तो अंदर ही अंदर दिखाई दे रहे हैं। सो और चलते हैं वार्ड ब्लॉक आपको ले चलते हैं, मतलब जहाँ पर रहते हैं। सो वार्ड ब्लॉक इस साइड से चलेंगे, इस साइड कुछ डायरेक्शन में, इस साइड से ये देख सकते हो उस साइड डायरेक्शन बना है वार्ड ब्लॉक का, तो चलते हैं वार्ड ब्लॉक की तरफ और दिखाते हैं। बाकी इस ये चीज़ बहुत ध्यान करके देखिएगा कि यहाँ पर भूल भुलैया जैसे टाइप का बना, जो मैं भी भूल जाता था, बाकी काफ़ी साल भर स्टडी किया है, बाकी यहीं घूमते रहे हैं तो इसलिए भूला नहीं हूँ। सो आप लोग भी ध्यान करके मतलब डायरेक्शन देख लेंगे तो कुछ ज़्यादा इंटेंस मतलब प्रॉब्लम ना होगी। सो डायरेक्शन को देख के चलिए, मेरा तो यही ध्यान है। बाकी सो देख सकते हैं वार्ड ब्लॉक, कहीं भी कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको आगे कल दिखाएंगे। अभी इसमें फर्स्ट फ्लोर पर मरीज रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर मरीज रहते हैं, बाकी थर्ड फ्लोर पर मेंटल है वो है। सो यहाँ पर वार्ड ब्लॉक है, बाकी और कुछ है नहीं है यहाँ पर, मतलब सभी मरीज आते हैं इमरजेंसी, तो आप जानते हैं कि इमरजेंसी वार्ड ब्लॉक में जैसे कुछ चार पाँच लोग चार पाँच दिन के लिए भर्ती किए जाते हैं, बस वही होता है। और चलते हैं, चलो और आगे भी दिखाते हैं आपको, और बाहर ले चलते हैं दिखाते हैं कैसे। सो यहाँ पर बैठ गए थे, बाकी अभी अभी आके बैठे हैं। सो मेरे पीछे देख सकते हैं अकादमी भवन, बाकी यहीं पर मेरी क्लासें लगती थी, जो मतलब अकादमी भवन है दिखावे देख सकते हैं अकादमी भवन है, बाकी यहीं पर सभी मतलब MBBS लोगों की क्लासें लगती हैं और वहाँ पर सब कुछ होता है, तो मतलब हम लोग यहीं पर आते थे पढ़ने के लिए, यहीं पर मतलब एक साल हमने बिताए हैं, बाकी बिताए तो पूरे हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में, बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बिताया गया है क्योंकि यहाँ पर क्लासें लगती, तो क्लासों में तो टाइम बीते गई ना, इसलिए यहीं पर टाइम बिताया गया। बाकी इस तरफ देख सकते हैं शल्य चिकित्सा भवन, इस तरफ देख सकते हैं शल्य चिकित्सा भवन है जो NICU है, इंग्लिश में NICU कहते हैं। बाकी और चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी इसके अंदर जाने कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं लुवा जा रहा हूँ, बाकी ज़्यादातर लोगों को इसके अंदर कुछ काम पड़ता नहीं है इसलिए इसके अंदर नहीं लुवा जा रहा हूँ, बाकी और आगे लुवा चलता हूँ, जहाँ जहाँ काम पड़ रहा है लोगों को वहाँ वहाँ मैं एक एक चीज़ बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। सो चलते हैं और आगे दिखाते हैं। सो ये देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट है, बाकी यहाँ पर चलते हैं और
और देख सकते हैं कितनी अच्छी रोड बनी है। बाकी इस तरफ का नज़ारा, बाकी ये प्रेक्षागृह है शायद से, यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं कि प्रेक्षा अच्छे होती हैं, मतलब पता नहीं है। बाकी यहाँ पर नहीं मैं गया सो, और उसके सामने मतलब वहाँ पर जो तंबू हंसकर दिख रहा है वहाँ पर मर्चरी टाई है, मर्चरी है मतलब मुर्दों मुर्दों को रखा जाता है और वहीं पर मतलब जलाया जाता है। और इस साइड देख सकते हैं, इस साइड ये पार्किंग है, बाकी ये सब बिल्डिंगें बनी हैं। सो ये देख सकते हैं पार्किंग है, बाकी इस साइड से देख सकते हैं ये बिल्डिंग। इस तरफ की बिल्डिंग देख सकते हैं ये सब है, बाकी ये गेट दिख रहा है यहाँ से, बाकी चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत हिल रहा होगा। बाकी ये देख सकते हैं मतलब नोडल DRT सेंटर, मतलब ये जन औषधि केंद्र भी है यहाँ पर, और यहाँ पर रोगी रिश्तेदार आवास है तो देख सकते हैं ये, बाकी इसके अंदर मेडिसिन मिलती है हर बार। सो ये देख सकते हैं राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है, बाकी ये गेट है ऐसा कुछ, बाकी इस तरह के दो गेट बने हैं और यहाँ से मतलब एंट्री गेट है देख सकते हैं ये, बाकी इसके बाहर का ये नज़ारा है। सो हम लोग आ गए थे घर, बाकी रात हो गई थी इसलिए ज़्यादा मतलब वीडियो नहीं बना पाए, बाहर से तो वीडियो नहीं बना पाए, जितना बन पाया बाहर से उतने बनाए क्योंकि रात हो गई थी तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, बाकी काफ़ी हद तक हमने बनाया है। सो आप लोगों को मतलब ज़्यादा मतलब बाहर से भी जानना हो मतलब इमरजेंसी को कि बाहर कैसे जाना पड़ता है, बाहर से कैसे जाएं, सो तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मैं बाहर से भी वीडियो बना दूंगा। और ज़्यादा खाए मतलब ज़्यादा था नहीं, जहाँ जहाँ मतलब काम पड़ता है लोगों को मतलब कुछ भी काफ़ी लोगों को, सो वहाँ वहाँ दिखाया है मैंने। जो इस बार की मतलब वीडियो मैं बनाऊँगा बाहर बाहर की, तो शायद से प्रिंसिपल ऑफिस और बॉयज़ हॉस्टल तो सभी के बारे में बता सकता हूँ। सो आप लोगों को मतलब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।